कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के हथली खड़ स्थित भंडारण भवन परिसर में मिनी सब्जी मंडी का आयोजन किया गया। मिनी सब्जी मंडी में जिला हमीरपुर के सभी विकास खंडों से 25 सब्जी उत्पादकों ने भाग लिया। इस मौके पर सब्जी उत्पादकों ने पोषक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक खेती पर आधारित विभिन्न प्रकार की 10 क्विंटल उत्पादों की 35,000 में बिक्री की। अलग अलग स्टॉल लगाकर इन सब्जी उत्पादकों ने फूलगोभी, पत्ता गोभी, आलू, बैंगन, अदरक, धनिश, गंडियाली, पालक, काली सरसों, शलगम, गलगल, टमाटर, सूखा टमाटर, हल्दी, सफेद तिल, मक्की का बीज, पॉपकॉर्न के लिए कद्दू, लौकी, नींबू, रोंगी, लहसुन, आंवला, अरबी, पपीता इत्यादि उत्पादों को बिक्री के लिए रखा और जो चंद ही घंटों में हाथों हाथ भी बिक गई। पोषक तत्वों से भरपूर विशुद्ध प्राकृतिक तौर पर उत्पादित इन उत्पादों की खरीद के लिए स्थानीय लोगों ने भी विशेष प्रकार से रुचि दिखाई। इस अवसर पर उपायुक्त हरिकेश मीणा ने सब्जी उत्पादकों से प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए उत्पादकों की जानकारी ली तथा मेहनत कर किसानों की सराहना की। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक तौर पर उत्पाद तैयार करने वाली सब्जी उत्पादक किसानों के लिए हर माह सप्ताह में सोमवार तथा वीरवार के दो दिन उपायुक्त कार्यालय के साथ बचत भवन में उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया गया। इस स्थान पर सप्ताह में दो दिन प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक अपने उत्पादों की वे बिक्री कर सकेंगे। उन्होंने स्वयं भी गोभी, पालक, धनिया, पपीता तथा अन्य उत्पादों की खरीदारी की। उन्होंने सब्जी उत्पादकों का आह्वान करते हुए कहा कि वे इन उत्पादों को बड़े पैमाने तथा समूहों पर तैयार करने का प्रयास करें जिससे उन्हें अधिक मुनाफा हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों तथा सब्जी उत्पादकों के लिए बेहतर विपणन सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जिला में जीरो बजट खेती अपनाने के लिए अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए कृषि उपनिदेशक की सराहना भी की। उपायुक्त ने सब्जी उत्पादकों को आचार, मुरब्बा, चटनी इत्यादि भी बड़े पैमाने पर तैयार करने का परामर्श भी दिया। विधानसभा सत्र के दौरान सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने जिस तरह से प्रदेश में अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को सदन के भीतर मजबूती से रखा तथा उन पर सरकार ने भी सकारात्मक रवैया अपनाया, उससे सुजानपुर की जनता में भी उनके प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायत टीवी में एक कार्यक्रम के दौरान एक दर्जन के करीब लोगों ने विधायक राजेंद्र राणा व कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। जिन्हें राजेंद्र राणा ने हार पहनाकर पार्टी में सम्मान के साथ शामिल किया। इस मौके पर विधायक राजेंद्र राणा ने पार्टी में शामिल नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सैनिक स्कूल सुजानपुर की बकाया राशि 3,71,00,000 रुपए की देने की सहमति से दी है। स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। इस मौके पर राजेंद्र राणा ने पंचायत की जनता की समस्याएं भी सुनी तथा उन्हें हल भी किया। अवाह देवी से पट्टा बाया गुड़ोला मार्ग को एक परिवार की ओर से बंद करने से प्रभावित परिवारों में आक्रोश है। इस समस्या के समाधान की गुहार लेकर गांव के 3 दर्जन से अधिक परिवार उपायुक्त हमीरपुर के कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि इस सड़क के बंद होने से गांव के दर्जनों परिवारों को आने जाने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। खासकर स्कूली बच्चों, महिलाओं, मरीजों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चों को सुबह के समय ठंड के मौसम में स्कूली वाहन गांव में न पहुंचने से कई किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर लोक निर्माण विभाग ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। बावजूद इसके कुछ लोगों ने सड़क पर गड्ढे खोदकर इस मार्ग को अवैध तरीके से बंद कर दिया है।
ग्रामीणों में प्यार चंद, परम राम, विजय सिंह, रूप चंद, सुकुतला देवी, रेखा, वंदना, रचना देवी आदि ने उपायुक्त से गुहार लगाते हुए इस समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। बताया जा रहा है कि गांव में सड़क के लिए कुछ लोगों ने पूर्व में मलकीत भूमि दान दी थी, लेकिन गिफ्ट डीड लोनिवी के नाम न होने के कारण अब जमीन के मालिकों ने सड़क को बंद कर दिया है। कानूनी अड़चनों के कारण इस मार्ग को बहाल करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं।